राजनगर पार्क, पटना बिहार। आज पूरे देश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है। आज हम लोग 17वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। केवल हमारे देश भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी। यह 17वां स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाया जा रहा है। नमस्ते ठाकुर जी, नमस्ते। आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के 125 करोड़ जनता को 130 करोड़ जनता को हम बधाई देना चाहते हैं, हार्दिक शुभकामना देना चाहते हैं कि आज़ादी जिस तरह से आज़ादी मिली है उस आज़ादी को बरकरार रखना है। और सबसे पहले हम तमाम गुमनाम शहीदों को नमन करते हैं जिनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं है, और भारत सरकार से हम आग्रह करते हैं कि गुमनाम शहीदों की का भी व्यापक पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर पता लगा करके उनको भी सम्मानित करने का काम किया जाए। ऐसे तो इतिहास जो लिखा गया है उसमें बहुत सारे लोगों का नाम है, लेकिन सबसे ज़्यादा है जिनका नाम नहीं हुआ, जिन्होंने कुर्बानी दिया लेकिन उनको कोई जानता भी नहीं है। गाँव में, गलियों में, कस्बों में, सुदूर देहातों में, आदिवासियों में, आदिवासी लोगों के बीच, समुद्र के किनारे और ऐसे ऐसे लोग पर्वतों पर, क्योंकि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी उसमें केवल सड़क पर ही लड़ने वाले लोग नहीं थे, केवल शहर वाले लोग नहीं थे, सुदूर देहातों में, गाँव में, जंगलों, पहाड़ों, झाड़ियों, गुच्छों में, गली कस्बों में लोग उसकी जो है धूम हुई थी और सभी लोगों का योगदान रहा है तब भारत को आज़ादी मिली। इसलिए वैसे तमाम शहीदों को और कुर्बानी देने वाले को हम आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक श्रद्धांजलि पेश करते हैं और नमन करते हैं। ठाकुर जी, आप आज के दिन किन स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारी वीरों और भारत माता के सपूतों को याद करना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो लंबी सूची है, फिर भी सूची को सुभाष चंद्र बोस हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, धीराम बोस हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ये तमाम लोग जिन्होंने वीर कुंवर सिंह फिर आपको ये कुंवर सिंह तो शायद शुरू में ही शुरू किया, 1857 में ही यहाँ बिहार से शुरू हुआ। और गदर जो है, भारत गदर जिसको कहते हैं, तो वैसे लोगों को भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। थोड़ा सा वीर कुंवर सिंह के बारे में बताएं, क्योंकि आज के बच्चे जो आधुनिक बच्चे और युवा जो है वीर कुंवर सिंह को लगभग भूल सा गया है। असल ऐसा है, क्योंकि वो बिहार के ही थे, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से और ट्विटर और फेसबुक और इंटरनेट की वजह से, और अभी जो ये जो सरकार है भारत सरकार, इनका कहना है पेपरलेस, और जब पेपरलेस जब हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा, तो जो है कैसे इतिहास को पढ़ाया जाएगा। पेपरलेस होने के बाद और डिजिटल होने के बाद जो इतिहासकार लोग हैं, जो लिखे हैं, वो तो किताब पर ही किताब में है, तो किताब पढ़ने का तो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जिन लोगों का भी इतिहास लिखा गया है वो कैसे जाने जाएंगे, उनको बच्चे कैसे जानेंगे, बड़े तो जानेंगे ही नहीं। तो एक तरह से अभी का जो समय है, इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, फेसबुक और ट्विटर और इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं, और ख़ास करके अभी जो सोशल मीडिया का प्रभाव है वो बच्चों में भी है। जो स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे लड़के हैं वो भी आज कंप्यूटर, मोबाइल चलाना जान रहे हैं, और जो नहीं जानते उनकी सीखने की ललक है, वो पीछे हैं। और पीछे हैं तो एक बहुत बड़ा ये सवाल उठ गया है, पेपरलेस और डिजिटल का जो सिस्टम यहाँ भारत में जो आने वाला है, और कुछ लोग कहते हैं कई जगहों पर आ गया, कुछ लोगों का कहना, हमको तो जानकारी नहीं है। तो ये समझिए कि भारत का जो इतिहास है, GST भी पेपरलेस है। अच्छा, GST भी पेपरलेस है। तो जब पेपरलेस हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा, तो माने कैसे, इसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा, किताबों को पढ़ना पड़ेगा, जैसे रामायण, गीता, महाभारत, कुरान। अब किताबें भी हो रही हैं, ये
गुरुवंश ऑनलाइन ऑनलाइन हो रहा है, ई बुक का जमाना आ गया। सवाल है, लेकिन अभी जो है हिंदुस्तान की जनता आज़ादी के 70 साल के बाद भी अभी यहाँ पानी पीने की समस्या है। भोजन की बात छोड़ दीजिए, पेयजल भी अभी हम ठीक से नहीं पहुंचा सके हैं। वैसी स्थिति में डिजिटल बात करना, पेपरलेस बात करना, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक और ये सब बात करना कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति के समझ में नहीं आती। ऐसे मेरी तो बुद्धि छोटी है, लेकिन जो लोगों से बात होती है उसके आधार पर अभी का जो दौर चल रहा है उसमें ऐसी संभावना है, पूरे जोर शोर से कर रहा है कि दुनिया पेपरलेस हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा, ऑफलाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो एक तरह से इसको एक सब्ज बाग माना जाएगा। ठाकुर जी, थोड़ा ये वीर कुंवर सिंह के बारे में थोड़ा बता दें आप। वीर कुंवर सिंह तो बिहार के रहने वाले थे, वीर कुंवर सिंह, और उन्होंने जो लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। और अब जब इतिहास की बात, चूँकि आपने इतिहास की बात छेड़ी है, तो जब वीर कुंवर सिंह का इतिहास पढ़ेंगे लोग तब ना जानेंगे। अगर पेपरलेस हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा, तो खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला खां और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये महात्मा गांधी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे वीर सावरकर हो, प्रोफेसर बलराज मधोक हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, गुरु गोलवरकर हो, ये जितने भी लोग थे जो देश के लिए लड़े, समाज के लड़े, और जिन्होंने कुर्बानी दिया, बलिदान दिया। अब आजकल चर्चा होता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, चर्चा होती है कि बहुत उन्होंने कुर्बानी दी, उनके नाम पर भारत सरकार कई योजनाएं कर रही है। लेकिन मेरे मन में एक बराबर सवाल उठता है कि डिजिटल और पेपरलेस जब हो जाएगा तो दीनदयाल उपाध्याय को, गुरु गोलवरकर को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, श्री अमृतपाल डांगे को, ज्योति बसु को, सुभाष चंद्र बोस को, सीताराम पट्टाभिरामैया को, राजगोपालचारी को, जो जितने भी सरदार पटेल, सरदार पटेल को हो, चाहे जो भी हो, अगर पेपरलेस और डिजिटल हो जाएगा, और इतिहास तो एक तरह से पेपरलेस डिजिटल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान का इतिहास ही खत्म हो जाएगा, मेरे मन में शंका है। ऐसे तो बहुत सारे लोग, हम कोई योगी सन्यासी तो है नहीं, हाँ सन्यासियों का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में सन्यासियों की बहुत बड़ी भूमिका थी, ये क्रांतिकारी, ये सन्यासी लोग भी थे अपने हिसाब से, ये सिपाही लोग थे, उनका भी इतिहास। तो सवाल है जब डिजिटल हो जाएगा, पेपरलेस हो जाएगा, तो इतिहास पढ़ने का मौका कहाँ मिलेगा, कहाँ से इतिहास मिलेगा? आज के बच्चे, आधुनिक बच्चे जो हैं, हाँ। युवा बंकिम चंद्र चटर्जी कौन थे नहीं जानते, नहीं जानते हैं। वंदे मातरम, आनंद मठ उपन्यास नहीं जानते। रविंद्रनाथ ठाकुर के जब नहीं पढ़ाई रहेगी, किताब नहीं लोग पढ़ेंगे, और जबकि जितने भी शिक्षाविदों का जो कॉन्फ्रेंस होता है, जो बुद्धिजीवियों का सेमिनार होता है, उसमें कहा जाता है, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े लेखक, उनका कहना है कि पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, लिखना चाहिए, बहस करना चाहिए। लेकिन अब तो बहस की भी गुंजाइश नहीं है, इस देश में सवाल करना मना है। बहुत सारे लोग हैं सवाल से खींचते हैं, अगर आप सवाल उनसे पूछेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, अब बोले समय नहीं है। जैसे प्रोग्राम जो होता है होटल्स वगैरह में, इंटरनेशनल प्रोग्राम, जो भी ये बीमारी संक्रामक बीमारी की तरह फैल गई है कि प्रश्न मत पूछो, जो बोलते हैं वही सुनो, जो बोलते हैं वो सुनो, जो हम बोल रहे हैं वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो जहाँ पर वहाँ सच्चाई बोलना भी मना है, सच्चाई। तो सवाल है कि अब हमको तो भाई आज़ादी के इस 70 साल हो गए, अब आप कह रहे हैं कि हम पेपरलेस कर देंगे, तो हमारे बच्चे इतिहास कैसे पढ़ेंगे? अब बच्चों से अमर चित्रकथा कॉमिक्स, जिसमें कि भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी, महापुरुषों पर जानकारी दी जाती थी कॉमिक्स के माध्यम से, वो भी बंद हो जाएगा। शिक्षा एक समुद्र के समान है, हम कोई तो शिक्षाविद है नहीं, न मेरा कोई अनुभव है, न हम कोई दावा करते हैं, लेकिन मोटा मोटी जो हम महसूस करते हैं कि अगर पेपरलेस हो जाएगा सोसाइटी, तो सवाल है कि बच्चे लोग इतिहास पढ़ेंगे नहीं, किताब की कहीं गुंजाइश नहीं रहेगी, न छोटी किताब न बड़ी किताब, गीता रामायण महाभारत कुरान सब गायब, वेद, अब चारों वेद हैं, वेद हम लोगों ने देखा नहीं, बच्चों ने वेद देखा ही नहीं क्या होता है, और वेदों में जो विचार हैं, अब तो संस्कृत पढ़ना लोग नहीं जानते हैं, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है ना, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। तो सवाल है, अंग्रेजी का ऐसा असर हो गया, पूरे ग्लोबलाइजेशन हो गया, अब लोगों को मान्यता हो गई है हिंदी भी नहीं पढ़ना चाहते हैं बच्चे CBSE स्कूल में, कॉर्पोरेट स्कूल में, अगर अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो हम भूखे मरेंगे। ये पूरा जो है, जबकि दुनिया में
जो भी कंट्री है, सब कंट्री में अंग्रेजी लोग नहीं जानते हैं, लेकिन एक माहौल बन गया है कि इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो हम जो है दुनिया से पीछे हो जाएंगे, दुनिया के दौड़ में पीछे हो जाएंगे। तो अब देखिए लोक भाषा है, भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, ये अंगिका है, बज्जिका है, तो सवाल है कि जो ये संस्कृति तो मिट जाएगी। आज मैथिली भाषा भी खतरे में है, मैथिली भाषा भी खतरे में है। लोग नहीं बोलते हैं घरों में, लोग नहीं बोलते हैं घरों में, जो है स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। हमने है देखा है अभी जो विवाह का जो गीत उत होता है बहुत सारा शादी विवाह के मौके पर, अब जो है लोगों का कंठ खत्म हो गया, महिला गीत गाना नहीं चाहती, किसी तरह से कैसेट बजाया जाता है, रिहर्सल सिस्टम खत्म हो गया। शाम होता था पहले तो मंदिर में हो चाहे कहीं भी लोग अब जो है बैठते थे, अब संभ्रांत लोग जो कहते हैं पढ़े लिखे सोसाइटी, वो कभी हरे रामा हरे कृष्णा में शामिल नहीं होते हैं। अभी देखिए आज पूरे हिंदुस्तान में जन्माष्टमी है और मथुरा वृंदावन सब जगह और मंदिरों में भगवान कृष्ण के नाम पर जन्माष्टमी का पर्व लोग करते हैं और हरे रामा हरे कृष्णा का मंत्र जपते हैं, मंत्र जपते हैं, महामंत्र है हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे, महामंत्र। अब सवाल है कि लेकिन आप देखिए वहाँ जा करके उसमें एक भी कुलीन व्यक्ति संभ्रांत व्यक्ति नहीं रहेंगे, वो लेबर क्लास के लोग जो हैं, जो देहाती टाइप के लोग, लोग कहते हैं कि हरे रामा हरे कृष्णा चाहे ये सब बोलेंगे तो हमको लोग देहाती समझेगा हैं। तो अब क्रिश्चनों में लोग जाते हैं, क्रिश्चन का जो कल्चर है, गिरजाघरों में लोग जाते हैं, मिशनरी में जाते हैं, पादरी के यहाँ जाते हैं। तो सवाल है कि ये जो कल्चर का जो खिचड़ी हो गया है, घालमेल हो गया है पूरे दुनिया का कल्चर जो है। अब देखिए अब कहने के लिए मुर्गा का स्वाद अलग होता है, स्वाद मुर्गा में भी है, स्वाद मलाई में भी है, स्वाद फल में भी है, मशरूम में भी है, स्वाद मशरूम में भी है। तो सवाल है टेस्ट का, लेकिन सबको अगर मिला के खिला दिया जाए, रसगुल्ला का स्वाद अलग होता है, बर्फी का स्वाद अलग होता है, जलेबी का स्वाद अलग होता है। आज देखिए आज के दिन जो है हर लोग जलेबी खाते हैं, अपने मित्रों को खिलाते भी हैं और जलेबी को लोग राष्ट्रीय मिठाई मानते हैं। पूरे हिंदुस्तान में जलेबी ही एक ऐसा मिठाई है जो उसको जो बड़े चाव से गर्म जलेबी, सवेरे उठा दूगो कचौड़ी दूगो जलेबी खा लिया, एक गिलास पानी पी लिया। तो सिस्टम का जो ये जो हमला है पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का पूरे भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर, तो इसको भी समझना पड़ेगा। लेकिन लोग अगर इसको अभी संस्कृति को बचाए हुए हैं, चाहे कोई संस्कृति हो, चाहे हिंदू की संस्कृति हो, चाहे मुस्लिम की संस्कृति हो, चाहे ईसाई की संस्कृति हो, चाहे सिख की संस्कृति हो, चाहे जैन की हो, चाहे बौद्ध की हो, पारसी संस्कृति पारसी का हो, वो संस्कृति बची हुई है गरीब लोगों की वजह से और महिलाओं की वजह से। तो गरीब और महिलाओं लोग जो बड़े घर की महिलाएं हैं और बड़े घर के लोग हैं वो तो नहीं जाते हैं, वो कभी आज जन्माष्टमी है तो भी नहीं जाएंगे, कहे इस समय क्या हल्ला गुदाल में जाएंगे, फुर्सत नहीं है। तो सवाल है अब इस पर जो है बड़े बड़े लोग हैं, संस्कृति के रक्षक लोग हैं कि हम संस्कृति के रक्षक हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो पूरा जो घालमेल हुआ है कल्चर का, संस्कृति का जो घालमेल हुआ है इस देश में, इस पर जो है देश की जनता को मैं 130 करोड़ जनता से इस वीडियो के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी हों, जिस परिस्थिति में हों, वैसे तो कहता है आगे की बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधी ले, तो कहता है बीती बात छोड़िए, लेकिन जब तक बीती बात को नहीं समझिएगा तब तक इतिहास की व्याख्या करना, इतिहास बताना जरूरी है। तो आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी देशवासियों को बधाई देते हैं और शुभकामना देते हैं और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पीछे मुड़कर देखना चाहिए, क्रांतिकारियों को के बारे में सोचना चाहिए और भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि गुमनाम जो शहीद हैं उनका भी इतिहास लिखा जाना चाहिए। धन्यवाद रामाशीष ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।